हेलो फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा 3 से 4 साल की पुराने स्मार्टफोन या कोई भी पुराने स्मार्टफोन जो अभी स्लो चल रहा है और एप्लीकेशन ओपनिंग टाइम भी स्लो है, उस फ़ोन को आप फास्ट कैसे करें। तो पहले आपको सेटिंग में जाना होगा, फिर सेटिंग में जाके डेवलपर मोड को ऑन करना होगा। आपका फ़ोन में डेवलपर मोड कैसे ऑन करें ये अच्छी तरह से जानने के लिए मेरा जो पुराना वीडियो है जो डेवलपर मोड का ऊपर बना हुआ है, पहले वो जाके वीडियो देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा डेवलपर मोड कैसे ऑन कर। मैं वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूँगा। तो मेरा डेवलपर मोड पहले से ही ऑन है, फिर भी ऑन कर लेता हूँ। फिर आपको कुछ नहीं करना होगा, डेवलपर मोड में जाना होगा। आप देख लीजिए आपका डेवलपर मोड किधर है, मेरा तो एडिशनल सेटिंग के अंदर है, तो मैं डेवलपर मोड में जाऊंगा और मैं जो दिखा रहा हूँ वही करना। अब थोड़ा नीचे आइए, आने के बाद इधर ये देखिए, देख लीजिए इधर विंडोज़ एनिमेशन स्केल है, तो पहले इसको ओपन करें, फिर इधर देख लीजिए बहुत सारे हैं। ठीक है, आपका फ़ोन का डिफ़ॉल्ट होगा 1x। ठीक है, मैं अभी 0.5x में हूँ। 1x में करने से क्या होगा कि आपका फ़ोन का जो कोई भी विंडोज़ ओपन करने के लिए जो एनिमेशन होता है वो ज़्यादा होगा। देख लीजिए, मैं एक आपको एग्जांपल देख देता हूँ। देखिए, मैं इधर 10x कर देता हूँ। इसके बाद मैं कोई भी एप्लीकेशन खोलूँगा तो देखो एनिमेशन स्पीड बहुत स्लो हो गया। ठीक है, देख लीजिए फिर और एक बार, देख लीजिए स्लो हो गया। तो इसका फास्ट करने के लिए आप डिफ़ॉल्ट में 1x होगा, 1x में देख लीजिए ऐसे होगा, ऐसे अभी भी कुछ एनिमेशन है। 0.5 कर देने से क्या होगा, और भी जल्दी ओपन होगा, और एनिमेशन ऑफ कर देने से और भी जल्दी। लेकिन मेरे मानिए तो एनिमेशन ऑफ नहीं करिए, क्योंकि ऑफ कर देने से पूरा एनिमेशन ऑफ हो जाता है, फिर कुछ कुछ टाइम में आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए एनिमेशन ऑफ मत कीजिए। 0.5x पे क्लिक कर दीजिए। फिर दूसरी वाला जो ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल है, इसको भी आप 0.5x कर दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ 10x करने के बाद क्या होगा। देख लीजिए, ओपनिंग टाइम तो ठीक है, लेकिन ट्रांजेक्शन एनिमेशन मतलब जो ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कि देख लीजिए, मैं जब बैक करूँगा क्या होगा, देख लीजिए। देखिए इधर जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, मतलब कि एक विंडो से अलग विंडो जाने के टाइम जो ट्रांजेक्शन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी। देख लीजिए, ओपनिंग टाइम में भी सेम, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। कोई भी फोल्डर ओपन करने का टाइम वो उतना नहीं होगा, क्योंकि मैंने फोल्डर ओपनिंग टाइम 0.5x किया है, लेकिन ट्रांजेक्शन टाइम 10x किया है, इसलिए डिफ़ॉल्ट यही होगा और 1x होगा। लेकिन आप 1x मत करिए, आप एनिमेशन स्केल को 0.5x कर दीजिए। फिर दूसरे वाला दिखाता हूँ, ये देखिए एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, इसको भी आप 0.5x कर सकते हैं, लेकिन इसके उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। ये हुआ एनिमेशन का बात। और कुछ चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आपका जो फ़ोन का कैश होता है ना, कैश डाटा, वो क्लीन करना होगा आपको। किधर से होगा मैं दिखा देता हूँ। आप फ़ोन का स्टोरेज सेक्शन में जाइए, जाने के बाद ये जो इंटरनल सेक्शन होगा, देख लीजिए ये मेरा इंटरनल सेक्शन, ये तो मेरा सिस्टम स्टोरेज, मतलब कि इधर मेरा सिस्टम का फाइल रहेगा। लेकिन ये जो इंटरनल मेमोरी का जो स्टोरेज होता है, जहाँ आप आपका कोई भी डाटा रखते हो, उधर देख लीजिए, इधर कैसे डाटा बोल के एक ऑप्शन है, आपको उधर उस डाटा को क्लीन करना होगा। फिर वो कुछ टाइम के बाद क्लीन हो जाएगा। फिर वो क्लीन होने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका फ़ोन तो बहुत पुराना है, तो आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी बहुत पुराना होगा। आपको काम करना होगा उस कॉन्टैक्ट डिटेल को, मतलब कि जो रिसेंट कॉन्टैक्ट है, जो आप जिसको कॉल किया किधर से भी कॉल आया, वो सभी कॉन्टैक्ट को आपको इस तरह से डिलीट करना होगा। डिलीट का सिलेक्ट कॉल करके डिलीट कर दीजिए, सिर्फ कुछ ही कॉन्टैक्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जो एक दो दिन का अंदर जो कॉल आया गया, तो आपका उस सभी का रिकॉर्ड होगा आपके पास। ठीक है, तो आप सभी का डिलीट मत कीजिए, कुछ सब का डिलीट कर सकते हैं, लेकिन दो तीन को रहने दीजिए। फिर डिलीट कर देने से
आपका फ़ोन का जो इंटरनल मेमोरी है वो कुछ खाली हो जाएगा, मतलब कि आप सिस्टम से खाली हो जाएगा, ठीक है। और सेम आप एसएमएस भी थोड़ी डिलीट कर दीजिए। ये सब करने के बाद आपका फ़ोन पहले से थोड़ा फास्ट हो जाएगा। थैंक यू।